हाय, सो दिस वीडियो इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज कि कैट एलिजिबिलिटी क्या है देखो कैट का प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बट अबाउट कैट नॉलेज क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इफ यू नो कि आपको किधर जाना है योर एम इज व्हाट योर पाथ इज व्हाट यू कैन ट्रेस योर पाथ योर सेल्फ या किसी का गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस वट इज द एलिजिबिलिटी आर यू एलिजिबल और नॉट फ एलिजिबल तो कौन सा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कैटेगरी वाइज आपको क्या चाहिए ग्रेजुएशन में आपको क्या चाहिए यू आर इन द डिप्लोमा तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए फाइनल स्टूडेंट हो तो क्या होना चाहिए सो so, एलिजिबिलिटी की सारी बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ विद द कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पी डी एफ सब कुछ देखना कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछना जनरली कमेंट करने की जरूरत होगी नहीं आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं कि पीपल कॉल मिक एम बी ओ और क्वांट गुरु माई सेल्फ हम ये मैंने कैट दिया था डैट इज वॉट मैंने कैट दिया था, जो मैंने कैट एज अ एस्पिरेंट दिया था एज एन एस्पिरेंट कैट नाइन्टी नाइन और जैट में मेरे नाइनी नाइन पॉइंट ट्रिपल नाइन मार्क्स हैं विचन इज नॉट अ बैड मार्क्स तो ये जो मार्क्स है कोई बुरा मार्क्स नहीं है लोग मुझको एम बी ए गुरु और क्वांट गुरु के नाम से जानते हैं वी रन अ कोर्सेज ऑन अ कैट इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प फॉर द कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यू गो टू वट वियर एजुकेशन डॉट कॉम पर आप चले जाओ। या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना या एजुकेशन को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एल्स आई वुड से डबल नाइन जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो वन फाइव नाइन जो नंबर देख रहा है उस पर आप कॉल कर लेना आपको सब कुछ पता चल जाएगा लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो एजुकेशन डॉट कॉम पर आ रहा है मतलब ये जो कोर्स है इस पर आएगा इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज कैट की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ज्ञान नॉलेज क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पर आपके साथ शेयर होगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहाँ पर अपने ज्ञान को लेके क्या आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो जैसे आपको पता है मेरे बैकग्राउंड में कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीडीएफ है इसी को मैं डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये पॉइंट क्या क्या है क्या नहीं है आगे भी हम इसमें बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कहां पर कौन सा पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहां पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है तो लेट्स बिगिन द टॉपिक कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव CAT 2023 eligibility criteria PDF. Right now we have 20 IIMs. NITI is going to be the 21st IIMs, but abhi ye only Rajya Lok Sabha se nikla hai. Rajya Sabha mein pura ka pura karyakram pending hai, and uske baad aapka president ke paas jayega. That becomes an act. Then वो law बनेगा and NITI is going to be the 21st times. आयम्स तो अभी यहाँ पे ट्वेंटी वन आयम्स दिख रहे हैं इन चांसेस हो सकता है नाइन्टी परसेंट है कि फॉर द बैच जिसके लिए आप कैट दे रहे हो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फर्स्ट बनकर आ जाए उसके बाद तो आएगा तो इज द वन ऑफ आई एम क्रैट क्राइटेरिया जो आप अगर देखना चाहोगे तो ये जो पीडीएफ है दो पेज का पीडीएफ है इसको आपको कैट की ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा आई तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैट की क्राइटेरिया पॉइंट नंबर थ्री जिसको आगे पीछे एक्सप्लेन किया गया है कंप्लीटेड ग्रेजुएशन तो जो सबसे पहला क्या है आपका वो क्या है कंप्लीटेड बैचलर डिग्री विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या है इफ़ यू आर द एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स अगर आप जनरल ई डब्लू एस एन सी ओ बी सी हो तो आपको मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया कि आपका फिफ्टी परसेंट मार्क्स आना चाहिए कैट को देने के लिए सर मेरे फिफ्टी परसेंट मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में तो मैं कैट दे सकता हूँ ऑब्वियसली नहीं आप कैट नहीं दे सकते हैं अगर आप जनरल ई डब्ल्यू एस एन सी ओ बी सी नहीं है तो क्या कोई एज क्राइटेरिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो एज क्राइटेरिया किसी भी एज का बंदा जिसके पास ग्रेजुएशन में फिफ्टी परसेंट मार्क्स हो वो दे सकता है दूसरा अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है बट आप प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफाइड हो लाइक यू आर सी एस सी एस सी डब्ल्यू ए फेलोशिप हो कहीं से आप मतलब दैट इज एफ आई ए आई से तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हो द रिक्वायर्ड परसेंटेज भी इसका आपको एस सी एस टी के लिए फोर्टी फाइव परसेंट एंड जनरली फिफ्टी परसेंट होना चाहिए तो आप क्वालिफाइड हो रहे हो अगर आप फाइनल ईयर बैचलर डिग्री हो तो भी आप क्वालिफाई करते हो सर अभी है, तो हम कैसे कॉलेज ऑथोरिटी तो आपको यह लिख के देता है कि नहीं यू विल गेट फिफ्टी परसेंट मार्क्स आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन तो आप क्वालिफाइड हो सर आप समझाओ। फिर से बताओ फिर से बताओ अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या अगले ईयर ट्वेंटी तक 2024 तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाता है और कॉलेज अथॉरिटी अगर आपको अंडरटेकिंग या दिखता, दिखता, दिखाऊंगा जब ग्रेजुएशन क्वालिफाई करोगे एक है उस समय तक तो आप एलिजिबल हो तो आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो विदिफ्टी परसेंट मार्क्स फॉर ऑल एंड 45 परसेंट मार्क्स फॉर द सम कैटेगरी या आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट्स में से कोई एक फुल सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि अब मैं इतने पार्ट्स क्लियर कर चुका हूं इतने पार्ट्स बचा नहीं कंप्लीटेड अगर फुल सी हो कंप्लीटेड हो या सी हो या सी डब्ल्यू हो या एफ हो तो आप कर सकते हो यहां पे मैंने एक बात बार बार बोलनी चाहिए है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आपके ग्रेजुएशन में 52 परसेंट मार्क्स हैं और आप सी ए क्वालिफाइड सिक्सटी परसेंट मार्क्स हो तो सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन डिग्री को देखा जाएगा सी ए डिग्री को नहीं देखा जाएगा तो अगर आपके सी ए में फाइनल मार्क्स से ज्यादा मतलब अगर आपके सीए में ग्रेजुएशन मार्क्स से ज्यादा है तो आई रिकमेंड कि ओनली सी ए डिग्री को लिखो ये डिग्री को मत दिखाओ क्योंकि अगर आप अहमदाबाद बैंगलोर कोजी कोले ओल्ड एम्स में जाते हो तो आपके सिक्सटी फोर परसेंट पे आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट नहीं होगा फिफ्टी टू परसेंट पे कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा और मिनी ऑफ द एम्स का जो क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपको एक सिरे से नकार दिया जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बोलना क्या चाहा अगर आपके सी ए में सिक्सटी टू परसेंट मार्क्स है और आपके ग्रेजुएशन में फिफ्टी एट परसेंट मार्क्स है और आई एम बहुत सारे आई एम्स में मान लेता हूं आई एम एक्स वाई जी बोलता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्सटी परसेंट से ज्यादा होने चाहिए तो आपके सी ए के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता है पहले आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को काउंट किया जाएगा और आप उस आई एम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे मतलब एलिजिबल नहीं होगे तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 60 परसेंट से कम मार्क्स है और क्वालिफाइंग मार्क्स 60 परसेंट से ज्यादा है वी रिकमेंड डू नॉट फिल करो अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो ये सारे फर्स्ट डाउट जिन लोगों की सी ए वर्सेज ग्रेजुएशन क्या होगा दूसरा होता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका कॉलेज आपको लिख के दे देता है फाइनल ईयर सर्टिफिकेट की नहीं आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन ट तो चाहिए दे दू इसका जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो काम होगा कैट फॉर्म में इसको फिल करना मतलब इसका कोई सर्टिफिकेट कैट में अपडेट नहीं होगा तो आपको लगता है कि आपकी कॉलेज अथोरिटी लिख के दे देगी या आपको लगता है कि नहीं आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स आ जाएंगे तो आप कैट फॉर्म फिल कर सकते हो कॉलेज थोड़ी दे ही देती है तो अभी आपको कॉलेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है लेकिन आप ले लेना क्योंकि हर एक सर्टिफिकेट का जो डेट होना चाहिए हर एक सर्टिफिकेट पे जो डेट होनी चाहिए वो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट के पहले होनी चाहिए कैट का लास्ट रजिस्ट्रेशन अभी फोर्टीन ऑफ सेप्टेंबर है तो आपके सर्टिफिकेट में जो भी डेट होगा आपके अंडरटेकिंग में जो भी डेट होगा वो फोर्टीन सेप्टेंबर ट्वेंटी के पहले का डेट होना चाहिए तो मैंने आपके दो डाउट सॉल्व कर दिए अगर आप सी या ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में आपका सी ए से कम मार्क्स है और आप सर्टन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो तो आप ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल नहीं करोगे अदरवाइज़ आई से आपको कॉल नहीं आएगा इवन क्वालिफाइड होने के बाद भी आपको आई से कॉल नहीं आएगा अगर वहाँ पे 60 परसेंट क्राइटेरिया है अब ये सिक्सटी परसेंट का क्राइटेरिया पता कैसे चलेगा बहुत सारे वीडियोस इस YouTube चैनल पे अपडेट होंगे तो सी ए सिक्सटी टू ग्रेजुएशन 58 आप ग्रेजुएशन के मार्क्स कैट में फिल नहीं करोगे सी के मार्क्स फिल करोगे फाइनल ईयर प्रिपरेशन जो आपको हो आप दे सकते हो तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया है शर्टिफिकेट कैसा दिखता है नहीं दिखता वो है अब मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री ये फर्स्ट लाइन है फिफ्टी परसेंट मार्क्स और इक्विबेंट द सी जी पी ए सी जी पी इक्विवेंट होता है CGPA, CGPA हो और ये जो फिफ्टी परसेंट मार्क्स है ये ग्रेजुएशन का है फोर्टी फाइव परसेंट फॉर द कैटेगरी होल्डर आपका दिखता है टे स्टेट इन इंडिया आप इससे ले सकते हो अब यहां पर होगी जो, जो भी मार्क्स है मुझे जो फिल करना है मैं ऑनर्स पेपर का फिल कर या मैं सारे पेपर मिला के फिल करूं तो देखो ग्रेजुएशन में इन द टेंथ और ट्वेल्थ आपके सर्टिफिकेट में अगर फाइव सिक्स सेवन एट जितने भी पेपर हैं आपको उतने फिल करनी होंगी ट्वेल्थ में भी जितने भी पेपर आपके सर्टिफिकेट्स में दिख रहे हैं आपको सारी फिल करनी होगी ग्रेजुएशन जो आपको फिल करना होता है वो फिल करना होता है एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑन ऑनर्स को ही ग्रेजुएशन के मार्क्स में काउंट करती है तो आप ऑन ऑनर्स फिल करना अगर आपका जनरल है पास है तो ऑनर्स के साथ सब्सिडी या बाकी जो पेपर हैं उसको भी इंक्लूड करना होता है तो फिफ्टी परसेंट मार्क्स एज पर योर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के हिसाब से होनी चाहिए कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द फाइनल ईयर मैंने आपको बता दिया आप ऑनली एलिजीबिलिटी फॉर दैट आईम्स का अलग अलग एलिजीबिलिटी होता है कोई सिक्सटी परसेंट मांगता है कुछ और मांगता है एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है अब देखो द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट वुड बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एज फॉलोड बाई द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की जो प्रैक्टिस है कैंडिडेट्स का मार्क्स उसी तरह तो दिखता है अब ये प्रैक्टिस क्या है जैसे मैंने आपसे बोला कि बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में ये दिखता है हमें बस ऑनर्स चाहिए हमें कोई और मतलब नहीं है तो आप ऑनर्स डिग्री फिल करोगे जो आपकी यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिस है उसी पे आप फिल करोगे ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी की कोई प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसमें अगर ग्रेड और सी का कन्वर्जन

यहां ये सब कुछ 100 पे कैलकुलेट होगा जैसे अगर आपका सिक्स आया है इन द ग्रेजुएशन आउट ऑफ तो आप 60 पे हो यहां पर नाइन पॉइंट मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कम होगा और आपके ग्रेजुएशन की मार्क्स अगर कम होगी तो आपके आगे जाके कंपोजिट स्कोर कम होगा ये कंपोजिट स्कोर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है क्वेश्चन मार्क बन जाए क्योंकि कंपटीशन कंपटीशन है competition में किसी भी एक फैक्टर्स में अपने आपको कम नहीं होने देना है तो पहला परसेंटेज यूनिवर्सिटी जो आपकी डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी का तो मैक्सिमम जितना होता है जनरली मैक्सिमम टेन होता है किसी किसी का फाइव होता है यो सीजीपीए आउट ऑफ मैक्सिम सीजीपीए इन टू हंड्रेड फैक्टर्स को आप यूज करोगे और आम्स कभी कभी और हमेशा आपके एलिजिबिलिटी क्राइडेरिया कर सकते हैं तो आप कोई भी अगर गलत डेटा डालोगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल तो आपको गलत डेटा नहीं डालना है और कुछ भी नहीं है पहला जो मैंने आपको बताया कंप्लीटेड बैचलर डिग्री आप बैचलर डिग्री कंप्लीटेड हो अब यहां पर बैचलर डिग्री में लोगों का क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन आता है सर मैंने टेंथ किया डिप्लोमा किया देन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की आई एलिजिबल यस आप एलिजिबल हो बिकॉज आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो आपको टेंथ का मार्क्स फिल करना होगा ट्वेल्थ में डिप्लोमा का मार्क्स फिल करना होगा फाइनली ग्रेजुएशन में दस मार्क्स फिल करना होगा सर मैंने ए आई ट्रिपल ई या ए आई सी टी बहुत सारे ओपन होते हैं ओपन इंजीनियरिंग होते हैं मैंने उससे किया है मैंने इग्नू से ओपन किया है आप एलिजिबल हो क्योंकि ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं मतलब ये नॉर्म्स है बहुत सारी ओपन होती है जहां से आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो ग्रेजुएशन भी कर सकते हो तो आपका जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो क्वालिफाइड होता है इक्विवेलेंट मार्क्स देने के लिए लिए तो आप उसके एलिजिबल हो तो आप चिंता मत करो इग्नू से हो ओपन हो ओपन इंजीनियरिंग आपने की है अगर आपको पूरा फाइनल क्लियर हो चुका है आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए तो ये आपको पता होना चाहिए रिजर्वेशन इज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स बट ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है फिफ्टीन परसेंट सीट रिजर्वेशन फॉर द एस सी दिस इज वॉट फिफ्टीन परसेंट ऑलवेज जो नहीं है फिफ्टीन परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स वहां पे होनी चाहिए इसमें मैं कभी बाद में बात करूंगा दिस इज नॉट द एलिजिबिलिटी अप टू टेन परसेंट फॉर दब्ल्यू एस है दिस इज नॉट द एलिजिबिलिटी तो हम इसमें बाद में बात करेंगे कोई भी अगर आपको कंसिडरेशन रिजर्वेशन का करना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में आता है देखो अब आप अगर डैप हो डैट मीनस वॉट पीडब्लू डी अगर आपके पास हो पर्सन विद द बेंच मार्क डिसबिलिटी जिसको हम लोग डेप भी बोलते हैं तो भी आपको थोड़ा सा रिवार्ड मिलता है फाइव परसेंट सीट है आपके पास ये सारी चीज होनी चाहिए बट दिस इज नॉट द एलबिलिटी दिस इज रिजर्वेशन अब देखो आपके पास क्या है अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो एट द टाइम ऑफ कैट फॉर्म फिलिंग आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना है आपको सर्टिफिकेट अटैच करना और किसी भी पॉइंट में आप इन द फ्यूचर आप कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो कैटेगरी को मतलब सर आज मैं जनरल हूँ आज मैं जनरल हूँ बट जनवरी में मैं ई में आ गया बिकॉज मेरे फादर की रिटायरमेंट हो गई आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो तो आपको जो भी कैटेगरी में जाना है वो आज सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा अगर आपके पास आज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग अपलोड करना होगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है बट मुझको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ये मैं अंडरटेकिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपको जो भी बताया मैं क्विक समरी दे देता हूँ कि आपके पास क्या है और आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे सर्टिफिकेट में आपको ऑन कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है फाइनल ईयर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है तो दिस इज एवरी थिंग अबाउट द कैट एलिबिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे हमें समझना है कि बॉस क्या है तो हम लोग चलो चलते हैं कहां पे हम लोग चलते हैं कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसको अभी आप अगर ओपन करोगे कैट की ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप अभी ओपन करते हो तो आपके सामने दिखता क्या है आपके सामने कुछ नहीं दिखता है आपके सामने दिखता है बॉस 2022 का बिकॉज आज डेट ट्वेंटी से यहां पे 2023 भी दिखने लगेगा यहां पे सारा इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा वी हैव एक्सेस ऑफ कुड सी द अर्ली एक्सेस ऑफ द वेबसाइट तो आपके पास क्या है यहां देखो फाइनल ईयर सर्टिफिकेट इस टाइप से दिखता है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इसमें अपने इंफॉर्मेशन को फिल कीजिएगा ये 2022 का है 2023 को आने देना अभी साइन मत करवाना आप इसको अपने ऑथोरिटी से साइन करवा लीजिएगा स्टैंप लगवा लीजिएगा अगर आप फाइनल ईयर डिग्री का सर्टिफिकेट हो तो आपके पास ये होना चाहिए और सारे सर्टिफिकेट कैट रजिस्ट्रेशन डेट के लास्ट दिन के पहले होने चाहिए मतलब ऑफ से पहले इस पर आपका साइन होना चाहिए अगर आप बाद में साइन करवाते हैं तो बैक डेट से साइन करवा लेना दिस इज फाइनल ईयर सर्टिफिकेट देन आपका एनसीबीसी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यू एस एस टी सर्टिफिकेट इस टाइप से दिखता है पीडब्ल्यू डी का भी यहां पे सर्टिफिकेट है आप इस टाइप के सर्टिफिकेट से साइन ले सकते हो जनरली इन्होंने डीएम या डीसी बोला है सेंट्रल लेवल पे बोला है बट आपके पास अभी अगर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है इंग्लिश और हिंदी में है बेटर तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो अगर वो वैलिड है तो अगर वैलिड नहीं है तो आप उसको रिन्यू करवाओ ई और एन सी सर्टिफिकेट जनरली वन ईयर और थ्री ईयर्स तक वैलिड होता है एस सी एस इज द लाइफ टाइम वैलिडिटी आप उसको यूज कर सकते हो आप उसको यूज करो अगर आपका नहीं मिलता है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो जैसे ये ई का सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड करो डेटा फिल करो और आप नहीं आप अथॉरिटी से साइन करवा लो ये आपका चलता है एस सी का भी सर्टिफिकेट इस टाइप से होता है अगर आपके पास है तो आप इसको यूज कर लो बाय चांस अभी मेरे पास नहीं है बट मैं इसमें बिलोंग करता हूँ मुझको पता है कि मैं ई में बिलोंग करता हूँ मैं ओ बसी हूँ मुझको एन सी में तो आपको अंडर अपलोड करना होगा आपको क्या करना होगा अंडर ये अंडर का फॉर्म है ये अभी इसमें कैट ट्वेंटी दिख रहा है आप इसको कैट ट्वेंटी का भी आपको थर्टीएथ के बाद मिल जाएगा आप उसको बनवा के अपलोड कर देना फेल्योर ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको लीड कर सकता है रिजेक्शन के तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और सारे सर्टिफिकेट का डेट क्या है सारे सर्टिफिकेट का डेट लास्ट डेट ऑफ द कैट के पहले आपको बता होना चाहिए मतलब जो लास्ट कैट रजिस्ट्रेशन है जो अभी फोर्टीन ऑफ सेप्टेंबर है जो आगे जाके आपका इंक्रीज होकर ट्वेंटी फर्स्ट जनरी होता है लेकिन अभी आपको करना होगा और इस एजुकेशन चैनल जिस पे सारा वीडियो अपलोड होगा कैसे फॉर्म भरना है एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल भरना है सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एजुकेशन डॉट चले जाओ क्योंकि मैंने जो पढ़ा दिया उससे ज़्यादा तो कुछ पूछने वाला नहीं है इसको मान लो ये हमारी टीम ने जो पढ़ा दिया लोगों को लगता है कि एजुकेशन में बस एक ही बंदा है जो मैं दिखता रहता हूँ हमारी बैकहेंड में टोटल नाइन्टी फैकल्टीज़ टीम है मिनटॉस टीम है और हम आपको गाइड करते हैं हर एक स्टेज पे वी आर नॉट द कोचिंग इंस्टीट्यूट वी आर गाइडिंग फैक्टर चाहे वो क्वांट हो डीआई हो एलआर हो फॉर्म फिलिंग हो बिफोर कैट हो आफ्टर कैट हो हर एक डाउन मैं आपको गाइड करता रहता हूं और किसी भी डाउट में आप इस नंबर पर बात कर सकते हो ठीक है सो दिस वन इज ऑल अबाउट कैट ट्वेंटी क्राइटेरिया कहीं भी कोई डाउट हो कि अभी भी डाउट रह गया है आप कमेंट कर देना मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट या किसी इन्फॉर्मेशन के इसी चैनल पर लेकिन एक बात बता दूं अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको अपना बेस्ट देना होगा आप दो अपना बेस्ट मैं दे रहा हूँ बेस्ट और रिजल्ट तो बेस्ट ला रहेंगे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज बहुत अपडेट्स आने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो तक गॉड ब्लेस यू एंड बाय